फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ईसीआई नीति एंड दिस इज चंचल कुलदीप। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में इस परमिएशन, सेमिनेशन, इजेकुलेशन, इनसेमिनेशन, इन चारों में डिफरेंस आपको अच्छी तरह समझाए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड दो तीन टर्म और है जो मैं आपको यहां पर समझाने जा रहा हूं। अब वो टर्म क्या क्या है, देखो आप, कि एक तो होता है सेमाइनल फ्लूड, दूसरा टर्म है सेमाइनल प्लाज्मा, और जो तीसरा है वह सीमन। अब आपको अच्छी तरह से पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ते हो कि हमारे पास मेल में तीन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पाई जाती है, तीन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पाई जाती है, उन्हीं में से एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसका नाम है सेमाइनल वेसाइकल, मतलब हिंदी में बोले तो शुक्राशय ग्रंथि। तो जो सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, सेमाइनल फ्लूड। तो यहां पर मैं लिख दूं कि सिक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रेशन को क्या बोला जाता है, सेमाइनल फ्लूड। ओनली सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रेशन को क्या बोला जाएगा, सेमाइनल फ्लूड। सेमाइनल प्लाज्मा क्या है बताना, तीन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पाई जाती है, तीन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पाई जाती है, तो सिक्रेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, यहां पर मैंने ओनली किसकी बात की, सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रेशन की बात की, लेकिन सेमाइनल प्लाज्मा किसको बोला जाएगा, जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है तीनों, उन तीनों के सिक्रेशन को मिलाकर क्या बोला जाता है, प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा। समझ गए बात को, फ्लूइड और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। अब जो तीसरा टर्म है सीमन, सीमन कह रहे देखिए स्पर्म आया, टेस्ट से स्पर्म आया, अब टेस्ट से आगे क्या लगी रहती है, आपने डायग्राम देखा होगा ना, टेस्ट से आगे क्या लगी रहती है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड लगी रहती है। तो स्पर्म आएगा चल करके, स्पर्म के साथ हमने जो तीनों रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है उनके सिक्रेंस को जब ऐड कर दिया तब उसको क्या बोला जाएगा, सीमन बोला जाएगा। तो स्पर्म प्लस तीनों रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के सिक्रेशन क्या बोला जाता है, सेमाइनल प्लाज्मा। ये क्या हो गया, सीमन हो गया। स्पर्म उसके साथ में क्या ऐड कर दो, जो तीनों रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है उनके सिक्रेशन को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, सीमन बन जाएगा। तो सीमन में 10% तो क्या होता है स्पर्म, और 90% तक क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्म होता है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, गति प्रोवाइड करेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये तीन टर्म थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसमें। अब एक डाउट हो रहा था स्टूडेंट को, तो मैं यहां पर बताए दू जब बात चल रही है, तो कि एक डाउट हो रहा था कि सर जैसे मैंने ये वैसेक्टोमी करवा ली, मेल की बात कर रहा हूं मैं, वैसेक्टोमी करवा ली, या मतलब ये जिसको हिंदी बोला जाता है नसबंदी, नसबंदी करवा ली, तो क्या उसके बाद में सीमन आएगा, क्या उसके बाद में सीमन आएगा। तो आप इससे पहले ये समझिए कि एक्चुअल में ये ट्यूबेक्टोमी, सॉरी वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी होती क्या है, वैसेक्टोमी होती क्या है। तो यहां पर मैं आपको डायग्राम से समझो, ये टेस्टिस होता है, ये क्या है आपका, ऐसे मान लो कि पेनिस है, तो ये क्या वास डिफरेंस है, तो वास का डिफरेंस है वो काट करके ऐसे बांध दिया जाता है, तो यहां से जो इस प्रमा रहे थे वो उनका आना क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है वो तो यहां पर लगी रहती है, तो इस प्रम तो नहीं आएगा, इस प्रम का आना है तो रोका है, लेकिन जब कोपुलेशन जब होगा तो इन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का सिक्रेशन तो आएगा ना बाहर, समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो जब आप वैसेक्टोमी करवा लोगे, नसबंदी जब आप करवा लोगे, हाँ,
तब स्पर्म आगे एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन जब कोपुलेशन जब होगा ना, तो इजेकुलेशन के दौरान, इजेकुलेशन के दौरान क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड है उसका सिक्रेशन आएगा, मतलब बाहर सिर्फ क्या आएगा, सेमिनल प्लाज्मा आएगा, उसमें स्पर्म नहीं होंगे। तो रिप्रोडक्शन मतलब नई संतति कब बनेगी, जब स्पर्म जो मिलेगा किसके साथ, ओवम के साथ। तो इजेकुलेशन में स्पर्म ही नहीं आ रहा है, तो मतलब वो जो ऐसा व्यक्ति, जो ऐसा मेल है, वो संतति को जन्म नहीं दे सकता। लेकिन इजेकुलेशन के दौरान सेमिनल प्लाज्मा बाहर आएगा, तब उसको हम सेमन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये डाउट स्टूडेंट को रहता है, जनरली मेल स्टूडेंट को ये डाउट रहता है। तो ये क्लियर हुआ होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।